तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। मैंने आपको कल से परसों आपको मैंने नोटिफिकेशन दिया था कि जो पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है भराना स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपसे मैं पार्ट थर्ड का फॉर्म भर के दिखाऊँगा, जो सभी कॉलेज बाई कॉलेज है ऑनलाइन पोर्टल और कोई कोई लोग का ऑफलाइन पोर्टल भी है। तो ऑफलाइन जिनका होगा वो कॉलेज में जाकर भरेंगे और जिनका ऑनलाइन हो रहा हो तो कॉलेज के अपने वेबसाइट से जाकर भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं ANS कॉलेज यानी अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज नबीनगर औरंगाबाद बिहार का इसमें आपको ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको इसमें सारा प्रोसेस दिखा देता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा और जिस कॉलेज का वीडियो चाहिए तो उस कॉलेज का आप कमेंट कीजिएगा और डॉक्यूमेंट सेंड करिए हमारे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने कैफ़े में जो 100-200 रुपये जो पेमेंट बर्बाद करते हैं तो आप घर बैठे वो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ANS कॉलेज का मैं वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ, ANS कॉलेज नबीनगर औरंगाबाद बिहार, इस तरह से टाइप करेंगे। यहाँ पर ANS कॉलेज भी टाइप कीजिए तो आ जाएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यहाँ पर लिखा है ANS कॉलेज, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा यहाँ से और ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और आपको क्या करना है कि आपको डिग्री एग्जामिनेशन फॉर्म करना है, तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है डिग्री एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। पेज ओपन होगा इस तरह से और पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर डिग्री एग्जामिनेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। आप सिस्टम से भी हो तो सिस्टम से और अच्छा है, मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर लिखा है रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर में पार्ट वन का जो रोल नंबर होगा वही डालिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एकेडमिक ईयर पार्ट थर्ड, चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, सर्च करने के बाद ये वाला आपको रेफरेंस नंबर, नाम, प्रोग्राम और फादर नेम, सेशन यहाँ दिखा देगा। और यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। पेज ओपन होगा यहाँ पर, न्यू पेज, यहाँ पर फॉर्म भरना होगा कुछ। यहाँ पर लिखना होगा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड पर, ओके। तो यहाँ पर अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, 2019 हुआ तो 2019 सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पार्ट वन का यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल लेना है, तो पार्ट वन का रोल नंबर डालिएगा, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा पार्ट वन के, ओके। और इसके बाद यहाँ पर पार्ट टू का यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिएगा, ये भी आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा एडमिट कार्ड के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर नाम कैंडिडेट का, यहाँ पर लिखा है पार्ट थर्ड कॉलेज रोल नंबर, कॉलेज का रोल नंबर आपको रसीद पर मिलेगा, जो आपका रसीद होगा ना एडमिशन हुआ होगा उसी पर मिलेगा आपको ये, तो ये वाला भर लीजिएगा। यहाँ फादर नेम टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पर माता जी का नाम टाइप कर लीजिएगा, जन्मतिथि यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ इसके अनुसार, इसके जो कैलेंडर है इसके अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से जो भी कैटेगरी होगा, धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, रिलीजन जो भी होगा आपका अपने अनुसार, ओके, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे। इसके बाद यहाँ पर आपको इकोनॉमिक यानी कि EWS से जो होंगे यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी आता है, जैसे विकलांग जो होंगे अपना सेलेक्ट करें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर लेंगे। आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप कर लेना है सारा जो अपना एड्रेस होगा। इसके बाद स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर लीजिएगा, पिन कोड डाल लीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से आपका रहेगा, आप ये चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ईमेल भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। इसके बाद यहाँ पर डिग्री का आता है एग्जामिनेशन फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी आपका ऑनर्स होगा ऑनर्स दिखाएगा, GS आप लिए हो तो GS यहाँ पर दिखाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर पार्ट वन का मार्क्स डाल लेना है, कितना मार्क्स आया है, पार्ट टू का मार्क्स आया है तो वो डाल लीजिएगा, अगर पार्ट टू का अगर मार्क्स नहीं आया तो यहाँ पर 0 टाइप कर लीजिए, यहाँ लिखा हो नोट में पुट मार्क्स 0 इफ रिजल्ट इज अवेटेड, यानी कि वेटिंग में अगर रिजल्ट है तो आप 0 डाल दीजिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अपलोड पार्ट वन मार्कशीट, मार्कशीट आपको पार्ट वन का अपलोड करना है, अपलोड पार्ट थर्ड का एडमिशन स्लिप डाल लेना है इसमें जो आपका रसीद होगा एडमिशन वाला। इसके बाद अपलोड पार्ट टू मार्कशीट या एडमिट कार्ड डाल लेना है, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो डाल लेना है, यहाँ सिग्नेचर डाल लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल को क्लियर कर लिया है, मैंने डिटेल्स को यहाँ फिल कर लिया है, फिलअप करने के बाद जो भी डिटेल आपका होगा आप अपने एडमिट कार्ड और मार्कशीट के अनुसार डिटेल फिलअप कीजिएगा। सभी डिटेल यहाँ पर फिलअप करने के बाद फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन आता है, चलिए सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पर सबमिट की पर क्लिक कीजिएगा तो पेज कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर बिफोर में बोला जा रहा है कि आप पेमेंट करने से पहले एक बार सारा डिटेल को यहाँ पर मिला लीजिए। यहाँ पर मैं डिटेल को मिला लेता हूँ, मिलाने के बाद अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट अगर क्लियर होगा
तो यहाँ पर आगे प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले आपको पेमेंट का मेथड चूज करना है, जो भी कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी से करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ डेबिट कार्ड चूज करता हूँ, डेबिट कार्ड चूज करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट नहीं हुआ था मेरा, चलिए रिलीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चल लेता हूँ मैं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पेज इस तरह से आएगा। पेज यहाँ पर पूरी डिटेल को मिला लीजिएगा। डिटेल्स मिलाने के बाद पेमेंट आपको यहाँ पर दिखा देगा कितना पेमेंट करना है। पे नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स शो कर जाएगा पूरी तरह से आपको कितना पेमेंट करना है। ओके, यहाँ पर कार्ड आपको सिलेक्ट किया हुआ है, कार्ड अपना डालिएगा, कार्ड नंबर, और कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ से डेबिट कार्ड चूज कर लीजिए, और कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपना प्रोसीड कर लीजिए। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और भी किसी अदर कॉलेज का वीडियो बनवाना हो तो आप हमें डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं।